हाय गाइस हेलो बच पार्टी कैसे हो आप सब लोग आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने चैनल फिजिक्स ऑनर टिप्स पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं बच्चों आज के इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए अगर रे ऑप्टिक्स की बात करी जाए ना तो उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं हम लोग और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो वन वन वीडियो में सिंपल माइक्रोस्कोप को निपटा देंगे फिर किसी और वीडियो में कंपाउंड को कर लेंगे फिर अपना ऐसे करके हम कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हुए चलेंगे तो सबसे पहले पहले बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल माइक्रोस्कोप सर ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है एक्चुअल में बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसका फोकल लेंथ बड़ा शॉर्ट होता है आप मैग्नेफाइंग ग्लास भी बोल सकते हो ठीक है ना हैंड लेंस बोल सकते हो आप इसको जो मैग्नेफाइंग ग्लास होता है वो बोल सकते हैं आप इसको सो इट इज जस्ट अ convex lens of short focal length held close to eye beta held close to eye it is simply a convex lens of short focal length held close to eye so this is basically our simple microscope इज बेसिकली आर सिंपल माइक्रोस्कोप अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पर ना दो चीजें पढ़नी पड़ती अब तक आप मैग्निफिकेशन पढ़ते हुए आते हैं यहां पर हम मैग्निफाइंग पावर पढ़ेंगे मानी एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं मैग्नेफाइंग पावर का मतलब होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन मानी एंगुलर मैग्निफिकेशन बड ऑब है इट इज यूज टू मैग्निफाई ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ा मतलब ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के हेल्प आएगा ये राइट right. यहां पर हम दो केसेस करने होते हैं देखिए अगर मैं इस पेन को ऐसे पकड़ूंगा तो मेरी आईज पर स्ट्रेन पड़ेगा मुझे दिखेगा नहीं दोनों आंखों से ऐसे देखो ना नहीं दिखेगा लेकिन मैं इसको थोड़ा दूर लेके जाऊंगा तो एक टाइम आएगा जब ये बिल्कुल ही फोकस हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से स ऑफ डिस्टिंग ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर वो जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग है वो कितना बचे वो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है सो so, यहां पर दो केसेस पढ़ने को मिलेंगे सबसे पहले पहले के एस वन की तरफ चलते हैं बेटा सबसे पहले पहले केएस वन की तरफ चलते है और इसमें हमें पढ़ने को मिलता है वेन फाइनल इमेज दूसरे पेज पे चलेंगे भाई ये थोड़ा सा खराब हो गया केस वन वेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न स ऑफ डिस्टिंग वेन फाइनल इमेजेस फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग ऑफ डिस्टिंग मानी स्मॉल डी पर देखिए बच्चे ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है भैया बिल्कुल है सर ऑब्जेक्ट जो आपने लेंस रखना होगा जैसे आपका हाथ वाला लेंस होता है ऐसे बुक के ऊपर ऐसे रखते हैं तभी हमें दिखता है तो ये ऑब्जेक्टिव है अब देखिए इसका फोकल इतना बड़ा होता नहीं है बट आपको दिखाना पड़ेगा नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा सो दिस इज ए बी रे ऑफ लाइट सीधी जाएगी तो भैया ये फोकस से होते हुई आ जाएगी और दूसरी को आप सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो ऐसा लगेगा जैसे ये खुल रही है रेस और ऐसा लगता है जैसे कहीं पीछे इसकी इमेज बन रही है डैश बी डैश राइट है जी आपको याद होगा अगर रिफ्रैक्शन एट कर्ड सरफेसिस में मैंने पढ़ाया था आप इमेज जो रे बनाएगी दैट इज बेसिकली बीटा दैट इज बेसिकली बीटा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ और इसी ऑब्जेक्ट अगर इसको मैं ए डबल डैश बोल देता हूं अगर ऑब्जेक्ट मेरा इतनी दूरी पर रखा होता और अब ये जो ऑब्जेक्ट ये जो एंगल बनाएगी यहां पर रेज ऑब्जेक्ट जब डी दूरी पर रखा देखिए, मान लेते ये आपका ऑब्जेक्ट है एक्स और ये आपका इमेज है डी राइट डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग टूजन डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग टूजन वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेसड एट डी या अगर डी पे रखा तो उसने जो रेस बनाई है क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट भी दिखना चाहिए देन वो वाला एंगल इज अल्फा और इमेज जहां पर बनी है उसने जो रेज उसकी रेज ने जो एंगल बनाया वो बीटा और इधर जो सबसे पहला पार्ट आता है ना मैग्निफाइंग पावर एम वो कहता है इट इज द रेशियो ऑफ इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड angle by angle subtended by angle subtended by image at I angle subtended by image at least distance of distant vision at least distance of distinct vision to the angle subtended by an object at least distance of distinct vision. एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग बेटा मानी एम हो गया बीटा बाई अल्फा और आपको बता दूं फॉर स्मॉल एंगल्स बीटा इज अप्रोक्सिमेटली इक्वल टू टेन बीटा अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा बेटा बीटा अप्रोक्सीमेटली टेन बीटा के बराबर होगा अल्फा अप्रोक्सीमेटली टेन अल्फा के बराबर सो so, सबसे पहले पहले अपनी बात आ गई भैया मैग्निफिकेशन एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट दी व्हेन इट इज प्लेस दीज डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन विजन टू एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट डिस्टेंस ऑफ अपना मैग्निफाइंग पावर हो गया पर वही तो चाहिए अपने को आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा तो एम आ गया भैया चाहे बीटा बाय अल्फा चाहे टेन बीटा बाय टेन अल्फा सर टेन बीटा क्या होगा ए बी बाई बी ओ ए बी बाई बी ओ सर टेन अल्फा क्या होगा ए डबल डैश बी डैश बाई बी डैश ओ ए डबल डैश बी डैश बाई बी डैश ओ और आपको बता दूं बेटा ए डबल डैश बी डैश जो है वो तो ए बी है वो तो ए बी है तो आपको मिला ए बी बाई बी ओ अपॉन अगेन ए बी बाई बी डैश ओ सर इससे ये कट जाएगा ये ऊपर चला जाएगा सो दिस इज बी डैश ओ बाई बीओ सर बी डैश ओ क्या है माइनस डी बीओ क्या है माइनस एक्स लेफ्ट साइड में ना लेफ्ट साइड में ना माइनस डी बाई माइनस एक्स तो आपको मिला दैट एम इज डी बाय एक्स लेकिन बच्चो लेकिन बच्चो आपको मैं बता दू आपने कहा एम इज डी बाय एक्स ये ठीक है मुझे फोकल लेंथ के टर्म्स में आंसर चाहिए देखिए पहले तो मैंने टेन अल्फा किया नाम कोई चीज होती है आपने कहा हां सर बिल्कुल होती है मैंने कहा हमें पता है कि लेंस फॉर्मूला नामक कोई चीज होती है हम पढ़ चुके हैं भाई क्या वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ

सॉरी प्लस वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स सो वन बाय एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय एफ प्लस वन बाय डी मैंने कहा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डी मैंने कहा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डी बेटा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डी सो दिस इज गोइंग टू बी डी बाय एक्स बराबर डी बाई एफ प्लस डी बाई डी ये खत्म हो गया सो डी बाई एक्स इज डी बाई एफ प्लस वन ये एम है सो एम इज वन प्लस डी बाई एफ कोई भी पूछे वट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप वेन फाइनल इमेज इज फॉर्म डैट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दिस वन प्लस डी बाई एफ दिस इज वन प्लस डी बाई एफ एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल मेरे हिसाब से ये आप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है मेरे हिसाब से अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए बच्चों क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है देखिए आपने इसको नोट डाउन कर लिया बहुत अच्छी बात है। केस वन हो गया बच्चों ये लास्ट टाइम है एग्जाम्स का अब सब सबसे एक ही बात बोलूंगा मैं यार कि इस समय पर भी अगर हम ये जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बार बार करवा रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑथोरेटी दिन में तीन तीन चार चार वीडियोस आ रही है आपके पास अगर अभी हमने ये भी नहीं किया ना तो फिर कोई फायदा नहीं बचेगा हमारा नुकसान ही नुकसान है फिर हमारा तो इसलिए बच्चों करो अच्छे से ठीक है ना अब सिंपल माइक्रोस्कोप तुमको करना था ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया भाई तेरह मिनट के आसपास की वीडियो स्टार्ट हो गई है होते हुए हो गई दूसरा केस करेंगे पांच दस मिनट और लगा लो पच्चीस मिनट मैक्सिमम आधा घंटा इन टू टू स्पीड में चला लोगे बातें बातें हटा लोगे तो आई गेस पंद्रह मिनट में आपका ये लेक्चर टॉपिक कंप्लीट पंद्रह मिनट में सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा टॉपिक आप खत्म करना तो आपके लिए मतलब बड़ी बात नहीं होनी चाहिए क्या बड़ी बात है हमारे लिए गॉड गाइस तो प्लीज उस तरीके से देखिए नाउ केस 2 नाउ केस 2 केस टू में क्या बोलता है हमसे When फाइनल final... यार ये भी यहां पर when फाइनल इमेज image... फॉर्म एट इन्फिनिटी अभी केस जो है वो कहता है फाइनल इमेज अब इंफिनिटी पर बनेगा इन्फिनिटी par पर तो आप देख पा रहे थे se से अगर आप देखोगे आपकी आईज है ये देख रही थी क्या भाई आपकी इमेज कहां बनी है इधर आपकी फाइनल इमेज फॉर्म डेट इन्फिनिटी सो व्हेन फाइनल इमेजेस फॉर्म डेट इन्फिनिटी बड़ोवेस से जब इमेज इंफिनिटी भी बनेगी तो ऑब्जेक्ट फोकस पे बनाना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना ही पड़ेगा सर कॉन्वेक्स लेंस बना दिया मैंने अपना जी सर ऑब्जेक्ट भैया ये आपका फोकस पे रख दिया मैंने ये आपका मैंने फोकस पे रख दिया रे सीधी आएगी ऐसे चली जाएगी भैया एफ से होते हुए चली जाएगी ये भी ठीक है दूसरी रो को आप ओ से भेज रहे हो अपने को तो ऐसा ही लग रहा है जैसे ये रे और ये रे इन्फिनिटी से आ रही है फ्रॉम इन्फिनिटी तो आप देख पा रहे ये क्या है यू ठीक है ना इनकी जो रेस बना रही है एंगल दैट इज बीटा बड ऑफ वेस बीटा लेकिन ऑब्जेक्ट देखने के लिए उसका एंगल देखने के लिए आपको बनाना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा बेटा ए बी एट डी दूरी ये हो गया अल्फा ये हो गया अल्फा आई होप दिस इज क्लियर और ये यू क्या है भाई एफ ई तो है ये ये तो एफ है ना हाँ है ना सही है सर सर मैग्निफाइंग पावर क्या था हमारा बीटा भाई अल्फा मैग्निफाइंग पावर इज बीटा बाई अल्फा जिसको आप कह रहे हैं अप्रोक्सीमेशन में टेन बीटा बाई टेन अल्फा जिसको आप अप्रोक्सीमेशन में कह रहे हैं टेन बीटा बाई टेन अल्फा सर टेन बीटा सर टेन बीटा क्या है सामने वाला ए बी बाई बीओ और टेन अल्फा क्या है भैया ए बी बाई डी ले लो यार सर ए बी से ए बी कट जाएगा और डी लोगे तो माइनस ले लेना आपका एम तो है। है, बराबर डी बाई एफ अब इसमें तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू कुछ ये कहानी लगाने की ना जरूरत है और ना हमें लगानी क्योंकि इधर आपके पास मैग्निफिकेशन क्या आया बेटा वन प्लस डी बाई एफ याद रखने के लिए कोई पूछे तो आप कह दो सर जब फाइनल इमेज अपना लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बना तो एम आई वन प्लस डी बाई और जब फाइनल इमेज हमारा इंफिनिटी पर बना तो एम आई डी बाई एफ बहुत सिंपल है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मैग्नेफाइंग पावर इधर अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस मैग्नेफाइंग पावर ये एम कैसे आया तो आप लिख देना भैया एम इज रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज प्लेस्ड एट इंफिनिटी एट आई आई पर बना रहा है भैया टू दी टू दी एंगल सबटेंडेड By an object when placed at least distance of distinct vision at eye. Akparna, taken. So, M is एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट इंफिनिटी टू द एंगल बाय ऑब्जेक्ट व्हेन एंड इज तो आधे घंटे की बात कर रहा था 20 भी नहीं हुए, आपका वीडियो आपने नोट कर लिया होगा राइट right, बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताऊंगा आपको बच्चों एक टेलीग्राम चैनल है हमारा बाय द नेम ऑफ फिजिक्स ऑन योर टिप्स फिजिक्स ऑन your टिप्स बच्चो ये जो टेलीग्राम चैनल है ना आप प्लीज इसको ज्वाइन करिएगा इस चैनल से आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है नोट्स की पीडीएफ है जो भी स्पेशल क्लासेज है अन अकेडमी की जो भी पेड क्लासेज है प्लस क्लासेस है उन सब के लिंक्स आपको यहां पर मिल रहे हैं मेरे बारे में शायद आपको जानते ही होंगे आप सभी लोग मैंने आपको बताया मेरा नाम है विनोद कुमार बहल फिजिक्स एडुकेटर सीईओ एट एवीजेएमएस एवीजे प्राइवेट लिमिटेड रनिंग स्कूल प्रोजेक्ट इन द्वारका इंटरनेशनल स्कूल एंडल्टी एट एल एन रो तक अन अकेडमी में आपको रेज हैंड फीचर मिलता है बच्चों जहां पर आप अपना हैंड रेज करते हैं अनलिमिटेड डाउट पूछते हैं आप कभी भी किसी भी समय पर और आप सभी बच्चों को बेटा प्लस के सारे बेनिफिट्स लेने के लिए इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने के लिए जहां पर लाइव टेस्ट सीरीज प्रॉपर बैच एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन एंड आंसर राइटिंग सेशन ये सब चीज जो है ना आपको मिल रहा होगा बच्चे आपको यहां पर कोड यूज करना रहेगा आपको यहां पर कोड यूज करना रहेगा बच्चे वीके आर्मी आई एम वन ऑफ द टॉप एडुकेटर एट अन अकेडमी सिंस लास्ट टू पॉइंट फाइव इन यहां पर आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा कभी टेन परसेंट रहता है कभी ट्वेंटी रहता है हाल ही में दिवाली के शुभ अवसर पर मेरा कोड यूज करके थर्टी परसेंट था आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर आप बात करेंगे बच्चों तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलते होते प्लस के सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे यानी आप समझो कि आपका क्या ग्राफ है आप आज क्या कर रहे हो एक प्रॉपर मेंटोर जो है ना वो आपका ग्राफ मेंटेन करके चलेंगे यहां पर पेरेंट से कनेक्ट होगा आपका कनेक्ट बहुत जरूरी रहता है बेटा पेरेंट्स का और मेंटोर का तभी हमें थोड़ा सा डर लगा रहता है और इसके लिए भी आपको कोड वी के आर्मी यूज करना रहेगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट बच्चों ये आपके सामने है आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको ये ऐसे सारे टॉपिक्स के लिंक्स और बहुत सारी क्लासेस के लिंक्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स आप ज्वाइन कर रहे होंगे है आपका टेलीग्राम चैनल और इसी के साथ साथ बच्चों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना शेयर कर देना दोस्तों के साथ मुलाकात करेंगे आपसे आप ही के अगले वीडियो में जिसमें हम शायद आपको कंपाउंड में उसको पढ़ा रहे होंगे टिल देन आज के लिए इतना ही है, है मिलते हैं आपसे आपके अगले क्लास में टिल Bye, guys. Bye all of you. Party and in yes, jai Hind.